हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रीटा मांडला और आज मैं छोटे बच्चों का लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम क्या है, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ये आप एलकेजी और यूकेजी के बच्चों दोनों को करवा सकते हैं, घर पे ही पढ़ाए उनको। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ए से लेके जी तक। अब ए से लेके जी तक 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से क्या होता है, 5 वॉवल्स होते हैं और जो बाकी 21 बच गए वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि वो 5 वॉवल्स क्या हैं, तो उन वॉवल्स को छोड़ के जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स में लेटर्स बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं। तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स हैं कौन से, सबसे पहले है ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हैं आपके वॉवल्स, इनको कहा जाता है वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं आपके वॉवल्स। और इनको छोड़ के जो बाकी जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट में आपके बच गए हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो टोटल कितने हैं, 21, बी सी डी एफ जी एफ जे के एल एम एन पी क्यू आर टी एस टी बी डब्ल्यू एक्स वाई एल जी, ये आपके 21 लेटर्स हैं जो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। और 5 पे आ गए आपके वॉवल्स। इसको इसी तरीके से याद करें, ए, ई, आई, ओ, यू, इसी तरीके से आपने अपने बच्चों को भी लर्न करवाना है। अब ये जो आप मेरे पास ये 5 वॉवल्स हैं, अब मैं इनको आपके सामने लेके आऊंगी क्या, इनके साउंड, इनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, तो आपको मैं आगे बताऊंगी साउंड ऑफ वॉवल्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ वॉवल्स। साउंड ऑफ वॉवल्स में यानी कि जो हमारे वॉवल्स थे ए, ई, आई, ओ एंड यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अब इनको जब आप वर्ड्स में यूज करते हैं तो इनको कैसे यूज करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ए, अब ए के लिए कौन से वर्ड्स आते हैं, जैसे आ गया पैन, दूसरा कैट, तीसरा रैट। अब यहाँ पे जो बीच में सेंटर में ए यूज हुआ तो इसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, पैन, कैट, रैट। तो ये जो ए की साउंड है वो कैसी आती है, कै ए करके, यानी कि कैट, रैट, पैन, ए की मात्रा करके ए से ही आती है। तो जो भी आपके लेटर होंगे आप इससे कोई भी लेटर डाल सकते हैं जो आपके पास होगा। दूसरा एक हैट भी आ सकता है इसमें, हैट में भी सेम है, हैट, सबके लिए ऐसी साउंड आती है। तो ये है आपके क्या, साउंड ऑफ ए। अब नेक्स्ट है साउंड ऑफ ई। अब ई के लिए कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, ये भी आप देख लीजिए, बेड, बेड हो गया, दूसरा रेड हो गया, बेड रेड, इसमें भी सेंटर में ई है। ये मैंने आपको नॉर्मल जो नॉर्मल इजी वाले वर्ड्स हैं वो आपको दे रखे हैं। तो क्या आ गया, बेड, रेड, ये सब चीजों में ई सेंटर में है, तो ये क्या आ गया आपके साउंड ऑफ ई, जहां पे ई ऐसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आया आपका, साउंड ऑफ आई। आई में आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे रीड, लीड या पिट, ये आपके सेंटर में आई यूज हो रहे हैं। तो ये क्या आ गया, साउंड ऑफ आई, जहां पे आई आप यूज कर रहे हो और आजू बाजू दोनों कॉन्सोनेंट्स लगे हुए हैं, यानी कि सेंटर में आपके वॉवल्स आते हैं और आगे पीछे दो कॉन्सोनेंट्स लगे होते हैं, रेड, लेड, पिट। तो ये आ गया आपके ये सारे। अब नेक्स्ट है साउंड ऑफ ओ। अब साउंड ऑफ ओ में क्या आएगा आपका, साउंड ऑफ ओ में जैसे कि हो सकता है सेम, अगर आर ई यूज करके लेना है तो रॉट, दूसरा आता है एलओटी, लॉट, तीसरा आ सकता है क्या, जैसे ले लो, अगर हम दो दो कॉन्सोनेंट, लेकिन हम सिर्फ इजी इजी वाले लेंगे, हम हार्ड वाले नहीं लेंगे, हम तीन तीन लेटर वाले ले सकते हैं, ज्यादा चार वाले नहीं लेंगे, बॉय। तो इन सब में क्या है, ओ सेंटर में,
और आगे नीचे क्या लगे हुए हैं, कॉन्सोनेंट्स। तो ये आगे आपके साउंड ऑफ ओ। अब नेक्स्ट है साउंड ऑफ यू। अब यू में कौन से वर्ड आ सकते हैं? यू के लिए आप कोई भी वर्ड ले सकते हो। पहला आप अगर बी से लें तो बट, सी से लें तो कट, और अगर डी से लें तो, यहाँ डी से तो ऐसा कोई वर्ड आ गया है, और दूसरा आपके पास आ सकता है गन, गन भी होती है जिसमें भी यू आ रहा है। दूसरा आप सब जानते हैं सन। तो ये सारे सेंटर में क्या यूज हो रहा है, अब आपका यू, यू वॉवल। तो ये सारे वर्ड्स आते हैं, यानी कि क्या है, सेंटर में आपके वॉवल्स हैं, तीन लेटर का ये शब्द होगा, सेंटर में आपने वॉवल यूज करने और आगे पीछे आपने दो कॉन्सोनेंट्स लगा के इनके वर्ड्स बनाने और इसी तरीके से इनको प्रोनाउंस करना है। पहले मैं पैन, कैट, रैट, हैट इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। दूसरा ई वाले में बेड, रेड, इसमें ई वाले के और भी आप यूज कर सकते हो जो भी आपके होते हैं, जैसे और कौन सा हम करवा सकते हैं, जैसे आगे आपके पास पेन, हैंड, कोई भी वर्ड है जिनके सेंटर में ई हो, तो ये भी आप एक्स्ट्रा वर्ड इसमें लिख सकते हैं। और आपके बुक में भी बहुत सारे वर्ड हैं, आपको इसी तरीके से उनको पांच पांच या दस दस वर्ड आपको हर एक के लर्न करवाने हैं। तो इसी तरीके से सारे वर्ड्स के मैंने आपको बता दिए हैं। घर पे अपने बच्चों को मिनिमम पांच और मैक्सिमम टेन वर्ड्स हर एक वोवल के साउंड के आपको उनको लिखवाना भी है, लर्न भी करवाना है। पहले उनको बताना है कि कैसे करते हैं, उसके बाद उनको आपने लिखवा लिखवा के लर्न करना है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, वोवल और कॉन्सोनेंट, और इसी के साथ साउंड ऑफ वोवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। घर पे अपने बच्चों को इन सब चीजों से लर्न करवाए, उनको बिजी रखे पढ़ाने में। इस टाइम आपके पास बहुत वक्त है अपने बच्चों को देने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मोदी साहब ने लॉकडाउन करवा दिया है 21 दिनों के लिए, तो आपके पास फ्री टाइम है, अपना पूरा टाइम अपने बच्चों पे लगाए, उनकी पढ़ाई पे लगाए। क्योंकि अगर एक बार उनका पढ़ाई से संपर्क टूट गया तो फिर पिछला जितना भी याद होगा सब वो भुला सकते हैं। तो पढ़ाई पे जोर दें, बच्चों को पढ़ाएं, इस वीडियो को देखें, खुद भी समझें और अपने बच्चों को भी इसी तरीके से समझाएं और उन्हें डेली एक्सरसाइज करने के लिए दे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी बनाऊं वीडियोस, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और लोगों को भी बताएं कि हमने ये ऑनलाइन क्लासेस ओपन की हुई है बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।